हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ मी सौम्या एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रोनो फार्माकोलॉजी. क्रोनो मीन्स टाइम, फार्माको मतलब होता है ड्रग, लॉगस मतलब होता है स्टडी. तो इसको हम बोलते हैं क्रोनो फार्माकोलॉजी. क्रोनो फार्माकोलॉजी क्या होता है कि बॉडी में लिया गया ड्रग टाइम के साथ क्या रिस्पॉन्स दिखाता है, डिजरेबल है, अनडिजरेबल है, या थेरोपेटिक रिस्पॉन्स दिखा रहा है, क्या इफेक्ट शो कर रहा है, उसकी पूरी स्टडी को हम बोलते हैं क्रोनो फार्माकोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. क्रोनो बायोलॉजी. क्रोनो मतलब टाइम, बायो मतलब लाइफ, लॉगस मतलब स्टडी. इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द बायोलॉजिकल रिदम एंड देयर मैकेनिज्म इन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ कॉल्ड क्रोनो बायोलॉजी. तो क्रोनो बायोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस का एक ब्रांच है और किससे डील करता है? बायोलॉजिकल रिदम से, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, जो हम लोग का डेली एक रूटीन होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, कि इस टाइम हमको ब्रेकफास्ट करना है, सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट करना है तो सुबह करते हैं, रात के टाइम डिनर करना है तो रात में ही करते हैं. तो एक फिक्स्ड टाइम होता है, तो वो एक बायोलॉजिकल रिदम में चल रहा होता है. 24 घंटे का साइकिल होता है जिसे हम बायोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं. तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ हो, उसकी जो एक्टिविटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटी है, वो समय के साथ, यानी 24 आवर जो समय के साथ जो है, क्या रिलेशन दिखाएगा, क्या टाइम के साथ उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसकी पूरी स्टडी को हम बोलते हैं क्रोनो बायोलॉजी. नेक्स्ट है क्रोनो फार्माकोलॉजी. क्रोनो फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग इज रिलेशन टू बायोलॉजिकल रिदम. इट इज कंसर्नड विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन द टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट एंड रिदम. तो क्रोनो फार्माकोलॉजी क्या होता है कि एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम ड्रग का जो है बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है साइमल्टेनियसली, या उस लिए गए ड्रग का बॉडी के साथ टाइम के साथ क्या क्या रिस्पॉन्स होगा, उसे हम बोलते हैं क्रोनो फार्माकोलॉजी. क्रोनो फार्माकोलॉजी जो है किस पे डिपेंड है? फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडाइनेमिक पे. फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें हम लोग ADME के बारे में पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में, और फार्माकोडाइनेमिक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी में जो है ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या इफेक्ट शो कर रहा है. तो इन दोनों का जो है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडाइनेमिक का जो है, इन दोनों का समय के साथ, यानी कि क्लॉक के समय के साथ जो है क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है, उसकी स्टडी लाती है क्रोनो फार्माकोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग है जो हम लोग रात में ही खाते हैं, उसी वजह से जो है उसका बायोलॉजिकल या फिर रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा आ रहा है, और उस ड्रग को बाई चांस हम लोग सुबह खा लें तो उसका रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो ये पूरी जो स्टडी कहलाती है क्रोनो फार्माकोलॉजी, यानी कि जो ड्रग है उसको उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही खाएंगे तो ही अच्छा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा. तो ये सारे इफेक्ट्स जो है देखने को मिलते हैं बॉडी में, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या चेंजेस होगा, तो ये सारी स्टडी होती है क्रोनो फार्माकोलॉजी में. एम क्या है? इन्हेंस द थेरोपेटिक एफिकेसी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ ड्रग इफेक्ट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ अ एडवर्स इफेक्ट बाय यूजिंग द टाइम मेडिकेशन इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल रिदम. तो क्रोनो फार्माकोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, उसके बेस पे हम लोग जो है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन टाइम को डिसाइड करते हैं कि जो उसका थेरोपेटिक वैल्यू है या थेरोपेटिक एफिकेसी है, उसको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर साइड इफेक्ट जो है उसको जो है हम लोग कम कर सके. तो ये मेन एम होता है क्रोनो फार्माकोलॉजी का. बायोलॉजिकल रिदम. इट इज़ अ डिटरमाइंड रिदमिक बायोलॉजिकल प्रोसेस और फंक्शन विथ इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड. तो बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है कि एक रिदमिक प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो टाइम के साथ ही काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह के टाइम फ्रेशनेस फील कर रहे हैं तो वो फ्रेशनेस जो है रात के टाइम आप फील नहीं कर सकते हैं. तो ये एक बायोलॉजिकल रिदम है कि वो रिदम के साथ वो आप सुबह ही वो चीज़ फील कर पाएंगे. तो फॉर एग्जांपल, जैसे बॉडी में जो भी एक्टिविटी है या जो भी ऑर्गेन फंक्शन हो रहा है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो समय के साथ साथ जो है वैरी करता रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी अपना दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स दिखाता है टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम या फिर सर्कैडियन रिदम. अ बायोलॉजिकल रिदम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन विद द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिपीटेशन बींग रेदर द नॉन वेयरिंग अंडर द नॉर्मल कंडीशन. तो बायोलॉजिकल रिदम जो होता है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज होता रहता है, जो भी एक्टिविटी है बॉडी में, जो भी बॉडी में फंक्शन हो रहा है, वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, उसका रिस्पॉन्स बदलता रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम. तो बायोलॉजिकल रिदम जो है, फॉर एग्जाम्पल,
कि अगर ये बायोलॉजिकल पूरा ये एक स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल क्लॉक का, तो ये है 12:00 PM यानी कि जो है दोपहर का टाइम है आफ्टरनून, देन 6 बजे शाम का टाइम, 6 बजे सुबह, फिर उसके बाद ये 12 बजे मिडनाइट। तो इसमें क्या होगा कि ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। तो जैसे हर घंटे में हम अलग अलग फील करते हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, हमारी हर एक्टिविटी हर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है फिक्स होती है। जैसे सुबह के टाइम अगर ब्रेकफास्ट करना है तो सुबह के टाइम ही करेंगे, शाम के टाइम अगर हम लोग को नाश्ता करना है या फिर रात के टाइम डिनर करना है तो डिनर करेंगे, तो ये फिक्स टाइम है। यानी कि सुबह के टाइम अगर ब्रेकफास्ट है तो ये एक ड्यूरेशन वाइज बदलता रहता है, और ये जो टाइम है बायोलॉजिकल क्लॉक है ये जो है 24 घंटा चलता रहता है। तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम, कि एक रिदम के साथ ये वर्क कर रहा है। देन है बायोलॉजिकल रिदम। तो बायोलॉजिकल रिदम क्या है? बायोलॉजिकल रिदम आर द नेचुरल साइकिल ऑफ चेंजेस इन आवर बॉडी केमिकल और फंक्शन। तो बायोलॉजिकल रिदम क्या है? एक नेचुरल साइकिल है जो कि हमारे बॉडी में चेंजेस करती रहती हैं केमिकली या फिर फंक्शन। तो केमिकली में क्या होगा कि जो 6 बजे के बाद है, मान लीजिए 6 बजे जो है हमारे बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होता है, FSH या फिर ACTH जो है इंक्रीज हो जाता है। वही 6 बजे शाम के टाइम हमारा जो BP है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। 12 बजे 1-2 बजे जो होता है वो हमारा हाई BP हो जाता है, या फिर इंसुलिन की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो केमिकली भी जो है हमारे बॉडी में ये चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। इट इज लाइक अ इंटरनल मास्टर क्लॉक दैट कोऑर्डिनेट द अदर क्लॉक इन आवर बॉडी। तो ये हमारे बॉडी में एक इंटरनल मास्टर क्लॉक है जो कि कोऑर्डिनेट करके वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर। द क्लॉक इज लोकेटेड इन द ब्रेन राइट अबव द नर्व्स वेयर द आईज क्रॉस। यानी कि ये जो क्लॉक जो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो भी एक्टिविटी करने का प्रोसेस है, ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन में। तो ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो कहाँ, वो कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर क्लॉक। इट इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ नर्व सेल्स दैट हेल्प्स द सिंक्राइज बॉडी फंक्शन एंड एक्टिविटी। तो ये जो है किस चीज़ का बना हुआ है? थाउजेंड ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि जो हमारे थाउजेंड ऑफ नर्व सेल्स है उसका जो है बना हुआ है, और ये हमारे बॉडी में क्या हेल्प कर रहा है? जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी फंक्शन है बॉडी में, जितने भी ऑर्गन फंक्शन है, उन सबको जो है कोऑर्डिनेट करके एक तरीके से हेल्प कर रहा है। सर्कैडियन रिदम ऑसिलेशन इन द बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ अ पीरियोडिसिटी ऑफ 24 आवर। तो सर्कैडियन रिदम क्या होता है? फिजिकली यानी कि जो ग्रोथ हो रही है बॉडी में, या मेंटल कि कब हम लोग खुश हैं कब दुखी हो रहे हैं, या फिर एक्सप्रेशनल एक्टिविटी जो भी हम लोग का बिहेवियर है, ये सब जो है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जो भी मूड स्विंग्स है, जो भी बॉडी में एक्टिविटी है फंक्शन है, वो सब चेंज होता रहता है। यानी कि हमारी सारी एक्टिविटी जो है घड़ी 24 आवर से जुड़ी हुई होती है। इसी को हम बायोलॉजिकल रिदम या फिर सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं। हमारी लाइफ की जो भी फीलिंग का जो मूवमेंट है वो टाइम के साथ जो है मूव करता रहता है। जैसे कि आपका हंगरनेस है, भूख लगना, प्यास लगना, तो ये सब टाइम के साथ जो है बदलता रहता है। इसीलिए जो है इसकी स्टडी को जो है हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी। सर्कैडियन रिदम आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन मेडिकल साइंस एंड राइट टाइम टू यूज ऑफ अ मेडिसिन। तो सर्कैडियन रिदम में क्या होता है कि जो भी अगर कोई ड्रग है या मेडिसिन है तो वो समय के साथ साथ जो है इफ़ेक्ट चेंज करता है। तो वो बॉडी में जो ADME है उसमें भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग हम लोग आज ले रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट हमको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, या फिर उस ड्रग को, वही सेम ड्रग को अगर हम लोग 1 महीने बाद या 15 दिन बाद ले रहे हैं तो हो सकता है उसका जो बायोलॉजिकल रिस्पांस है, उसकी जो एक्टिविटी है, वो हमको बहुत कम देखने को मिले, ये या फिर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ADME। तो अगर किसी का ADME जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। या फिर जो है कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद अगर वही ADME जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और उसी ड्रग को हम सेम ड्रग को ले रहे हैं तो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स जो हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है इसकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है सर्कैडियन रिदम का। तो ये इससे क्या होगा कि जो साइड इफेक्ट है उसको हम लोग जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो ड्रग की जो इफिकेसी, थेरोपेटिक इफिकेसी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सर्कैडियन रिदम का। देन नेक्स्ट है द सर्कैडियन क्लॉक 24 आवर इन द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल।
तो सर्काडियम रिदम में क्या होता है कि जो 24 आवर की जो साइकिल चल रही है उसको वो कोऑर्डिनेट करके रखने का काम करता है। जैसे कि जो मूड आज है वो कल मूड नहीं रहेगा, जो एक्टिविटी शुरू आज हुई है वो कल अगले टाइम उसी दिन पे सेम टाइम पे जो है नहीं रहने वाला है। तो इसी को हम सर्काडियम रिदम बोलते हैं। ये टाइम के साथ जो है बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लिप और अवेक यानी कि सोना जगना जो भी है ये आपका जो है एक तरीके से चेंज होता रहता है। टेम्परेचर बॉडी का, डाइजेशन हो गया कि अगर जिस टाइम पे आज आपको भूख लगी है या फिर उसी टाइम पे कल भी सेम टाइम पे भूख लगे या ज़रूरी नहीं है। और हार्मोन जो चेंजेस वगैरह होते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, बीपी, जो बीपी है सुबह के टाइम जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, फिर शाम के टाइम बहुत लो हो जाता है। तो इस तरीके से सर्काडियन रिदम जो है चेंज करता रहता है बॉडी में। देन उसके बाद से एपेटाइट हो गया, भूख लगना, अलर्टनेस हो गया, हार्मोनल लेवल है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। कौन सा ड्रग किस साइकिल पे इफ़ेक्ट देता है या किस साइकिल का असर जो है ड्रग पे पड़ता है, इन दोनों के रिस्पेक्ट की जो स्टडी है उसको हम लोग पढ़ते हैं सर्काडियन रिदम में। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्रग को हम लोग को किस टाइम पे इनटेक करना चाहिए, किस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो थेरोपेटिक एफिकेसी है वो बहुत अच्छा दे और जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम आए। तो इन सब की स्टडी के लिए हम लोग पढ़ते हैं सर्काडियन रिदम या फिर क्रोनो फार्माकोलॉजी। देन है रिदम, दे रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू लाइट एंड डार्कनेस इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट। तो लाइट एंड डार्कनेस जो होता है ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है सर्काडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग। जैसे कि लाइट है तो लाइट में क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा होता है, पॉजिटिविटी होती है। इस टाइम हम लोग जो है हॉरर मूवी वगैरह भी देख ले तो डर नहीं लगता है। सेम उसके अपोजिट में क्या होगा, रात के टाइम में जो है नेगेटिविटी आती है या फिर डर भी लगेगा कोई भी मूवी हॉरर वगैरह देखने। तो एक तरीके से सब बायोलॉजिकल रिदम में वर्क कर रहा होता है। स्लीपिंग एट नाइट एंड बींग अवेक ड्यूरिंग द डे इज एग्जाम्पल ऑफ अ लाइट रिलेटेड सर्काडियन रिदम। तो सर्काडियन रिदम का जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग रात के टाइम सोते हैं और सुबह के टाइम उठते हैं, तो ये भी एक रिदम के अकॉर्डिंग है कि आप उतने बजे सो जाएंगे, ठीक है, और सुबह जो है 6 बजे उठ जाएंगे। तो ये सारा जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग चलता रहता है हमारे बॉडी में। तो एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडिया में डे है और फॉरेन कंट्रीज़ में नाइट है, तो और हम ट्रेवल करते हैं इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ में जब ट्रेवल करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे बॉडी की जो भी एक्टिविटी है, जो भी बॉडी का फंक्शन है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, उसके हिसाब से टाइम के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो है टाइम जो लाइट है या फिर नाइट है तो दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि डे और नाइट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है हमारी बॉडी, उसी को हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में जो है 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा सर्काडियन रिदम। तो सर्काडियन रिदम में क्या है, द 24 आवर साइकिल दैट इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल एंड रिदम लाइक। तो जो 24 घंटे की जो हमारी साइकिल होती है जो उसमें वर्क कर रहा होता है, तो जैसे स्लीपिंग जो हम लोग सोते हैं। देन नेक्स्ट है सेकेंड है इंफ्राडियन रिदम, बायोलॉजिकल रिदम दैट लास्ट मोर देन 24 आवर्स सच एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी कि ऐसा रिदम, ऐसा बायोलॉजिकल रिदम जो 24 घंटे से ज़्यादा चलता हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉर एग्जांपल। थर्ड है अल्ट्राडियन रिदम, जिसमें रिदम विथ इन अ शॉर्टर पीरियड एंड हायर फ्रिक्वेंसी, फॉर एग्जांपल है सर्काडियन रिदम, तो उसी को हम बोलते हैं अल्ट्राडियन रिदम जो कि शॉर्टर पीरियड में चलता है। फोर्थ है आपका ड्यूरनल रिदम। ड्यूरनल रिदम में क्या होगा, द सर्काडियन रिदम सेंसर्ड विद द डे एंड नाइट, जो डे और नाइट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होती हैं, जो इफेक्ट अलग अलग चेंज हो जाता है, उसे हम ड्यूरनल रिदम बोलते हैं। एक और रिदम होता है सीजनल रिदम। सीजनल रिदम में सीजन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं तो उसे हम सीजनल रिदम बोलते हैं। मेडिकेशन यूज इन द बेस्ट टाइम फॉर इन्हेंस देयर थेरोपेटिक वैल्यू। तो मेडिकेशन क्या होता है, यानी कि कौन सा ड्रग और मेडिसिन जो है किस टाइम उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करें, किस टाइम उसको इनटेक करें, कि उसका जो वैल्यू है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमको बहुत अच्छा देखने को मिले, उसका जो थेरोपेटिक वैल्यू है वो बहुत अच्छा देखने को मिले। इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको सर्काडियन रिदम और सर्काडियन रिदम के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम जो दिख रहा है ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी के अंदर। तो 12 बजे दोपहर का टाइम, 12 बजे मिडनाइट, 6 बजे सुबह का टाइम और 6 बजे शाम का टाइम। तो जो दोपहर के जो 12 बजे होते हैं, ठीक है, 12 बजे से लेके जो 6 बजे तक का टाइम है, उस बीच में क्या होता है कि बेस्ट कोऑर्डिनेशन का टाइम जो होता है वो आपका
2:30 पे होता है, 2:30 बजे होता है। फिर उसके बाद से फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम जो होता है वो 3:30 बजे PM का होता है, जो बहुत तेज़ी से फास्ट रिएक्शन टाइम हो रहा है। देन उसके बाद से 5 बजे शाम के टाइम में क्या होता है, ग्रेटेस्ट कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। देन उसके बाद से यहाँ पे 6:30 बजे शाम के टाइम क्या होता है, बीपी जो है बहुत, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और साथ में बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और साथ में रात के 9 बजे जो है मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद से रात के 10:30 बजे जो है बाउल मूवमेंट होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है। देन 12 बजे मिडनाइट, जिसमें डीपेस्ट स्लीप होता है, 12 बजे से 2 बजे के आसपास जो है इंसान जो है प्रॉपर तरीके से नींद ले रहा होता है, डीपेस्ट स्लीप होता है। देन उसके बाद से 4:30 बजे जो भोर का यानी सुबह का टाइम होता है, जिसमें लोअर बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बहुत लो होता है। देन उसके बाद से है 6:45 पे शार्पेस्ट राइज बीपी, यानी कि सेम यहाँ पे देखिए जो दोपहर में जो शाम का टाइम जो था 6 बजे, यहाँ पे बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, सेम वही 6 बजे जो सुबह का टाइम है वहाँ पे बीपी जो है क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। देन 7:30 बजे जो मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है और बाउल मूवमेंट जो है 8:30 बजे जो है वो कम हो जाता है। देन उसके बाद से 9 बजे जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है और हाई अलर्टनेस जो होता है वो हमको 9 से 10 बजे के बीच में देखने को मिलता है। ये तो हो गया फिजिकल की बात, कुछ बॉडी में जो है कुछ फंक्शन या फिर केमिकली जो चेंजेस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकली चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा यहाँ दोपहर के 1 या 2 बजे के आसपास होता है वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसुलिन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देन उसके बाद 6 बजे क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। देन यहाँ पे जो रात के 12 बजे होता है, मिडनाइट होता है, उसमें WBC काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से सुबह के 6 बजे के आसपास जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज जो है उसका बढ़ जाता है, और ACTH जो होता है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, FSH, LHH या फिर ग्रोथ हार्मोन जो है, हार्मोन का जो भी चीज़ है वहाँ पे ये सब बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सेम यहाँ पे जो 6 बजे सुबह से लेके या वही 12 बजे दोपहर तक के बीच में जितना भी होता है अलर्टनेस जो है, बीपी जो है बहुत ज़्यादा जो है राइज यानी कि कम हो जाता है, और साथ में जो है रेनिन हो गया या फिर एंजियोटेंशन है, ये सारी चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसके फंक्शन में केमिकली जो है चेंजेस होते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस आते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं, इसकी पूरी स्टडी को हम बोलते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी। फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।